तो द पेस ऑफ लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो सीरीज चल रहा है, हम लोगों को जावा का कोडिंग का सीरीज चल रहा है। इसके पीछे वाला जो हमारा प्रोग्रामिंग था, उसमें पैराडॉम नंबर का प्रोग्राम बताए थे। आज जो हम लोग प्रोग्राम लेके आए हैं, इसमें आप लोगों को बताएंगे कि किसी भी वर्ड, किसी भी करेक्टर या नंबर को कैसे सॉर्टिंग किया जाता है उसका। तो ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग किया जाता है उसका। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक कैसे बिल्ड होता है। सपोज यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे मान के चलिए कि कोई एक एरे है, मान के चलिए कोई करेक्टर दिया है, मान नंबर दिया है, सॉरी नंबर दिया है 8 दिया है, इसके बाद 5 दिया है, इसके बाद 9 दिया है, इसके बाद 4 दिया है, ओके, इसके बाद क्या दिया है 7 दिया है, ओके, इसके बाद 2 दिया है। इसको क्या बोल रहा है, सॉर्टिंग करने के लिए। ओके, तो इसको अगर बोला जाए कि एक नंबर दिया गया है 8 5 9 4 7 2, तो इसको अगर बोला जाए कि सॉर्टिंग करने के लिए, तो इसका सॉर्टिंग कैसे होगा। सबसे पहले मेरा 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा गाइस, 4 आना चाहिए, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 4 के बाद 5 आना चाहिए, ओके, इसके बाद 5 के बाद क्या है यहाँ पे, तो 7 आना चाहिए, ओके, 7, 7 के बाद क्या होना चाहिए 8, 8 के बाद क्या आना चाहिए 9। तो ये इसका सॉर्टिंग का फॉर्मेट हुआ। जैसे कि 8 5 9 4 7 2 दिया है, अगर इसको बोला जाए सॉर्टिंग करने के लिए, तो 2 4 5 7 8 9 होगा। यदि इसी को करेक्टर में दिया जाए, करेक्टर में क्या दिया गया है कि पहले सी दिया है, इसके बाद क्या दिया गया है ए दिया है, फिर क्या दिया है बी दिया है, इसके बाद ई दिया हो, इसके बाद क्या दिया हो कि जी दिया हो, इसके बाद एफ दिया हो, ओके, जी दिया हो, इसके बाद क्या एफ, इसको बोले कि सॉर्टिंग करने के लिए। कोई करेक्टर दिया गया उसको बोले सॉर्टिंग के लिए, तो सबसे पहले क्या आएगा ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा बी गाइस, बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। तो इसका ये सॉर्टिंग फॉर्मेट है। तो ये एक्चुअल में काम कैसे करते, इसकी लॉजिक हम कैसे बिल्ड करेंगे, सबसे पहले उसका जानकारी देते। ओके, तो सपोज हम एक नंबर जैसे है 8 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद सॉरी 8 के बाद यहाँ पे हमने नंबर क्या रखे थे, 8 के बाद जैसे 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 2। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे में इसको हम रख देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। ओके, एरे में जो डेटा है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। ओके, एक एरे बनाते हैं, ये हमारा क्या हो गया गाइस, एक एरे बन गया। इसमें हमने के सारे डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करके यहाँ पे हमने रख दिए। पहले वाले में क्या है गाइस, 8 है, पहले वाले में कितना है 8, इसके बाद दूसरे वाले में कितना है गाइस 5 है, ओके, दूसरे वाले में 5, इसके बाद कितना है गाइस 9 है, इसके बाद कितना है 9 है, 9 के बाद कितना है 4 है, ओके, 9 के बाद कितना है 4, ओके, 4 के बाद मेरा कितना है 7 है, ओके, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद मेरा कितना है यहाँ पे देखिए तो 2 है, ओके। अब इसको हम सॉर्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि 8 जो है 8 से कोई छोटा है, तो यहाँ पे देखेंगे 5 नहीं 7, यानी कि स्वेप कर देंगे, यानी कि 8 यहाँ पे राष्ट्र वाले डिजिट का पैर वाले में, तो स्वेप करेंगे। तो हमारा अगर यहाँ पे हमने स्वेप करेंगे, तो यहाँ पे एक मिनट, अगर इसको हमने यहाँ पे देखिए स्वेप करते हैं, तो हमारा जो नंबर आएगा स्वेप करने के बाद क्या आ जाएगा कि 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 5 जो है वो सेम रहेगा, 2 के बाद यहाँ पे देखिए 2 आया, 2 के बाद जो 5 है वो सेम रह जाएगा, इसके बाद 9 हो गया, 9 के बाद क्या हो जाएगा 4, 4 के बाद 7 और 2, 2 के जगह पे कितना हो जाएगा 8, ओके। तो हमारा एक स्टेप ये क्या हुआ, स्वेप हुआ, ओके। अब हम मेरा ये एक स्वेप हुआ, ओके, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक पिता निकल गया। अब 5 को कंपेयर करेंगे कि 5 से कोई छोटा एलिमेंट है, तो यहाँ पे अगर 5 से छोटा एलिमेंट देखते हैं तो 4 है, ओके। तो दोबारा हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे स्वेप करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2, 2 के बाद कितना आ जाएगा, अब 5 के जगह पे 4 होगा, तो यहाँ पे 4, 4 के बाद मेरा क्या होगा 9, 9 इसके बाद 5, 5 के बाद कितना है 7, 7 के बाद 8, ये स्वेप हो गए। अब हमारा 2 तो स्वेप हो गया, अब तीसरे में देखेंगे कि 9, 9 के 9 से कोई बड़ा है, तो 9 से ऑलरेडी बड़ा कितना है तो 5 है, ओके। तो अब दोबारा से हमने यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, दोबारा से यहाँ पे हमने फिर से स्वेप कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 और 5 की जगह पे कितना आया स्वेप, ओके 9, 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 8, ओके।
तुम्हारा तीन स्टेप सेफ हो गया। अब पुनः हम यहाँ पे देखेंगे कि नो से कोई बड़ा है, तो नो से बड़ा कितना है, पास में ही सात है, तो देन अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर से स्वेप करेंगे, दो चार पांच, पांच के बाद कितना हो जाएगा सात, सात के बाद नौ, नौ के बाद आठ। ओके, अब दोबारा से चेक करेंगे, अभी तो चार हुआ, फिर से नौ कोई बड़ा है, तो नौ से बड़ा कितना है आठ, तो अगेन हम क्या करेंगे स्वेप करेंगे, दो चार पांच, इसके बाद सात, इसके बाद आठ, इसके बाद नौ। अब हम मेरा लास्ट इंडेक्स पे आ गया, तो हमने क्या किए कि सबसे पहले इंडेक्स को कंपेयर किए कि कौन इससे बड़ा है, फिर दूसरे इंडेक्स में आया उससे भी कंपेयर किए। तो हम यहां पे एक्चुअल में क्या करेंगे गाइस कि ये वाले जो मेरा एरे होगा, सपोज मेरा ये फायरन एरे है, इसको हमने क्या करेंगे आई मान लेंगे। ओके, और यहां पे जो कंपेयर करेंगे आई प्लस वन से क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, सपोज इसको हमने यहां पे क्या किए गाइस आई मान दिए। ओके, आई से इसको इनिशियलाइजेशन किए। ओके, अब यहां पे हमने क्या किए, एक ये जो इंडेक्स बना है गाइस, ये जो इंडेक्स मेरा बना है, इसको हमने क्या किए यहां पे दोबारा से क्या किए जे से कंपेयर, आई प्लस वन से क्या किए दूसरा जो इंडेक्स स्टार्टिंग किया आई प्लस वन से, और उसको क्या करेंगे कंपेयर, यहां पे सर्च करेगा कि ये कंपेयर इससे बड़ा है या इससे बड़ा है इससे, और वो सर्च करेंगे। तो हमें दो ऑलरेडी रूप चलाना पड़ेगा, फोर रूप का, एक आई और दूसरा क्या लेना पड़ेगा जे। ओके, तो अब मूव करते हैं कोडिंग की ओर। ओके, तो यहां पे हमने ऑलरेडी सारे प्रोग्राम बनाए हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग को सिंगल क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद क्लास को करेंगे, क्लास का जो नाम देंगे शॉर्ट देंगे। ओके, यहाँ पे जो क्लास का नाम होगा गाइड क्या होगा, शॉर्ट नाम से हम क्या करते हैं सॉर्टिंग। ओके, सॉर्टिंग नाम से हम क्या करते हैं क्लास क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टेटिक और वॉइड में पैरेंट्स लेना है उसको देके हमने जैसे ही फ्रीज करते हैं हमारा सॉर्टिंग नाम का एक क्लास क्रिएट हो जाएगा। ओके, जिसमें पहले से पब्लिक स्टैटिक और वॉइड मेन लिखा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता क्या है, पब्लिक क्या है एक्सेस मॉडिफायर है जो किसी भी पैकेज को एक्सेस कर सकता है, स्टैटिक जो है मेमोरी एरे कोड करता है, वॉइड जो रिटर्न नहीं करता है वो मेन मेन क्लास। हमें यूजर के थ्रू क्या करना है नंबर या करेक्टर लेना है, इससे हमने यहाँ पे क्या किया स्कैनर यूज किया। ओके, तो स्कैनर स्कैन इक्वल टू क्या किया न्यू स्कैन। ओके, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैन, इसके अंदर सिस्टम डॉट क्या किए इन लिखे, ये यूजर के थ्रू अगर आप कोई नंबर देते हैं तो ये ऑलरेडी डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, जैसे ही करते हैं ये हमारा यहाँ पे एक एरर शो करता है, इससे कि क्योंकि हमने पहले भी बताया कि आपने पैकेज डिक्लेयर नहीं किए, तो यहाँ पे स्कैनर पे जाके जैसे ही इसको इम्पोर्ट करते हैं आपका जो एरर है वो ऑलरेडी चला जाएगा। इसके बाद हमें यूजर के देना है, तो यूजर से सबसे पहले हमने नंबर मांगे, यूजर से इंटर द इनपुट। ओके, यहाँ पे क्या बोले यूजर को कि आप एक इनपुट दो, इंटर द इनपुट। ओके, यूजर क्या करेगा इनपुट करेगा। ओके, हमने इनपुट को क्या करे स्ट्रिंग में दे दिए, इनपुट को क्या किया इंटीजर स्ट्रिंग यूज किया, स्ट्रिंग के लिए क्या होता है नेक्स्ट इन, नेक्स्ट इन कर दिए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले या तो वो करेक्टर लेगा या तो आप कोई नंबर, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है एरे में कन्वर्ट कर देना है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है एरे में उसको क्या करना है कन्वर्ट कर देना है। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है टू कैर एरे मेथड एक होता है, उससे क्या होता है एरे में आपका कन्वर्ट है। तो कैर एरे ए आर इक्वल टू क्या किए एस डॉट टू कैर एरे, टू कैर एरे एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग से क्या करता है ये एरे में, यहाँ पे देखिए जैसे ही आए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये कन्वर्ट टू स्ट्रिंग टू न्यू करेक्टर, यानी कि ये क्या करता है कोई भी आपका अगर स्ट्रिंग में है उसको अगर आपने करेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टू कैर एरे मेथड का यूज करके आप उसको कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किए जितने भी हमारा स्ट्रिंग में वैल्यू आ रहा था उसको हमने अब क्या किए करेक्टर में कर दिए। ओके, और उसको एरे में भी हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमने क्या किया बोले हैं कि फोर लूप यूज करेंगे। ओके, इसके बाद इंट लिखेंगे आई इक्वल टू स्टार्टिंग कहां से होगा जीरो से होगा, देन आई रेस देन एरे डॉट क्या करेंगे लेंथ। ओके, सबसे पहले उसका क्या करेंगे लेंथ हम देख लेंगे, इसके बाद आई क्या किए प्लस प्लस। ओके, इसके बाद जाएंगे। ओके, इसके बाद दूसरा हमने क्या बोले हैं यहाँ पे कि एक दो
आपको फोर रूप बनाना है, दूसरे से एक तो यहां से दूसरे से उसको कंपेयर करवाएंगे, आई का ये मेरे जे से हम कंपेयर करवाएंगे कि कौन आर से बड़ा कौन है, सॉरी आर से छोटा कौन है, जो भी छोटा होगा उससे हम क्या करेंगे स्वेप करवा देंगे। तो दूसरा एक देंगे फोर रूप, अगेन लेंगे फोर रूप जिसमें हम क्या करेंगे इंट जे इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि जो आई की वैल्यू पहले जैसे मान के चलिए जीरो है तो वो कंपेयर क्या करेंगे, मान के चलिए अभी आई की इंडेक्स की वैल्यू जीरो पे है तो वो जीरो इंडेक्स से तो कंपेयर नहीं करेंगे, वो तो कंपेयर वन इंडेक्स से करेगा ना, तो इसीलिए आई प्लस वन यानी कि दूसरे जो उसके पास वाले इंडेक्स है उससे कंपेयर करेंगे, इसीलिए हमने क्या लिखे यहाँ पे जे इक्वल टू आई प्लस वन सेमी कॉलम, देन यहां पे लिखेंगे ए आर ए आर सॉरी इसके बाद आई फिर से रेस देन ए आर डॉट क्या होगा लेंथ, ओके उसका भी लेंथ दे देंगे सेमी कॉलम, देन जे क्या हो जाएगा प्लस प्लस, सॉरी यहां पे जे रूप चल रहा है तो यहां पे आई नहीं होगा, क्या होगा गाइस जे होगा क्योंकि हमने जे से कर रहे हैं ओके। अब हमने क्या बोले हैं कि जैसे ही उसको मिल जाएगा, हमने यहाँ पे क्या बोले कि जैसे मान के चलिए यहां से आठ से चेक कर रहा है कि आठ से मेरा छोटा एलिमेंट कितना है चार है, तो यह आठ से जो छोटा एलिमेंट चार है इसको स्वेप करता है, आठ के जगह पे चार चला जाता है, चार के जगह पे आठ चला जाता है, तो वो क्या करता है स्वेप करता है। तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे अपना यहाँ पे स्वेप करेंगे, स्वेप कैसे किया जाता है वो ऑलरेडी आपको इसका वीडियो बता चुके हैं, नहीं तो यहाँ पे भी हमने आपको डिटेल के बता देखेंगे। यहाँ पे कंडीशन चेक देखेंगे कि आई की जो वैल्यू है रेस टेन है एरे ऑफ जे की, यानी कि जे से जो है छोटा है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो वो स्वेप होगा, स्वेप होगा। इसके बाद यहां जाएंगे, हमने क्या किया है करेक्टर में ऑलरेडी सारे डेटा को फिर एक टेम्प नाम का क्या किए वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसकी वैल्यू जो एरे ऑफ आई की वैल्यू था उसमें हमने स्वेप करा दिए, यानी कि जो एरे ऑफ आई की मेरी जो वैल्यू आया था वो क्या किए हमने टेम्प में डाल दिए। अब हमने क्या करेंगे यहाँ पे एरे ऑफ जो टेम्प की वैल्यू है एरे एरे ऑफ आई की जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे एरे ऑफ जे में कन्वर्ट कर देंगे, और अगेन क्या करेंगे एरे ऑफ जे की जो वैल्यू था उसको क्या करेंगे टेम्प में दे देंगे। ये स्वेपिंग का नियम है, स्वेपिंग का क्या नियम है कि सबसे पहले एरे ऑफ आई में जो हमने यहां से वैल्यू पहले कंपेयर किए कि क्या वो जैसे मान के चलिए यहां पे मैं कंपेयर की कि आठ जो है चार से छोटा है, अगर ये छोटा है तो इसको स्वेप करना है, तो ये देखे कि आई की जो वैल्यू है चार से छोटा है, जैसे ही कंडीशन मेरा ट्रू होगा यहां पे देखिए जैसे ही यहां पे आई की वैल्यू पहले जीरो इंडेक्स पे देखा आठ जो है चार से छोटा है तो चार ऑलरेडी मेरा छोटा है, जैसे ही मेरा कंडीशन यहां पे ट्रू हुआ तो इसके बाद स्वेप करेंगे चार की वैल्यू आठ के जगह पे आठ की वैल्यू चार पे, तो यहां पे हमने क्या किया सेम यहां पे जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ हमने क्या किया जो आई में वैल्यू स्टोर हुआ था उसको हमने टेम्प में रख दिए और जो जे की वैल्यू था उसको क्या किया आई में रख दिए, अगेन क्या किए जे की वैल्यू टेम्प में रख दिए। इसके बाद आपको क्या करना है फोर रूप से बाहर निकालना है, इसके बाद सिस आउट लिखना है, सिस आउट लिख के यहां पे क्या करना है सॉरी इसके बाद एक जो भी वैल्यू होगा उसको हमने क्या करेंगे यहां पे रखेंगे, एक अगेन हमने क्या करेंगे फोर रूप स्टार्ट किए इंट दिए आई इक्वल टू कहां से जीरो से देन आई रेस्टेन एरे डॉट लेंथ, ओके एरे डॉट लेंथ एन सभी कॉलम आई क्या के प्लस प्लस करके यहां जाएंगे। इसके बाद जो हमारा एरे आया है उसको हमने प्रिंट करेंगे सिस आउट, उसको क्या करेंगे एरे ऑफ आई जो वैल्यू होगा उसको क्या करेगा प्रिंट कर देगा। एक बार यहां पे हमने चेक कर देते हैं, रन पे जाएंगे जावा एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एंटर द नंबर, नंबर में हमने क्या बोले जो यहां पे हमने नंबर लिए है आठ पांच नौ चार सात दो सेम यहां पे देंगे आठ पांच दो आठ पांच दो चार सात नौ। सपोज हमने क्या किया यूजर के थ्रू ये दबा दिए, जैसे ही इंटर करेंगे यहां पे देखिए वो स्वेप करके ऑलरेडी हमें दे दिया है, सबसे पहले दो आया सॉर्टिंग किया देन चार इसके बाद पांच इसके बाद क्या किया सात इसके बाद आठ, ओके तो ये हमारा सॉर्टिंग करके जो है और ओके यहां तो हमने आपको क्या किया नंबर के नंबर को सॉर्टिंग करके आपको बताया। यदि आपको क्या करना है कैरेक्टर को भी सॉर्टिंग करना है तो सेम आपको इनपुट करना है, जैसे कि यहां पे हमने इसको क्लियर किए दोबारा से यहां पे सेव किए, इसके बाद रन पे गए, रन पे जाने के बाद जावा एप्लीकेशन पे गए देन जैसे ही क्लिक किए यूजर के थ्रू क्या बोलेगा वो नंबर, नंबर में हमने ए एस डी एफ जी एस दे दिए देन बी सी दे दिए, इसको सॉर्टिंग करेगा। यहां सॉर्टिंग करके यहां पे देखिए एक बड़ा स्क्रीन में आप लोगों को हम दिखा देते हैं, यहां पे देखिए वो सॉर्टिंग करके ए पहले आया सी डी
सी दो बार, हमने डी लिखे हैं तो दो बार आएगा, ओके, एफ जी एच और एस दो बार है तो दो बार, तो शॉर्टिंग किए, तो हमारा इससे ये हुआ कि कोई भी अगर वो करेक्टर दे या आपको नंबर दे, आपको दोनों का शॉर्टिंग इजीली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका प्रोग्राम जो हुआ, नंबर या स्ट्रिंग दोनों में से कोई भी देगा तो आपको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि लॉजिक कैसे ये बिल्ड किया है। तो गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमारा सॉर्टिंग, जैसे कि 8 5 2 4 7 था, तो यहाँ पे सॉर्टिंग करके 2 4 5 7 8 और 9 में क्या किया है, ऑलरेडी कन्वर्ट करके हमें क्या किया है वो दे चुका है। तो ये ऑलरेडी बेसिकली ये काम कैसे किया आप लोगों को ऑलरेडी इसकी समझ, अब आप लोगों को बताएं कि सबसे पहले जो हमारा नंबर था यहाँ पे 8 5 4, इसके बाद उसको सबसे पहले हमने यहाँ पे देखे क्या किए हैं कि जैसे एक फोर रूप बनाए, फोर रूप में ऑलरेडी दूसरे से उसको कंपेयर कर दिए, यानी कि यहाँ पे देखे सपोज हमारा जो इंडेक्स था उसको दूसरे से हमने कंपेयर करवाए, अगर वो छोटा निकला तो यहाँ पे हमने स्वेप कर देंगे। पहला क्या होगा, आई इक्वल टू जीरो, आई रेजिस्टेड आर एरे डॉट लेंथ आई प्लस, और फोर रूप में गए जे इक्वल टू आई प्लस वन और एरर ऑफ लेंथ, इसके बाद हमने यहाँ पे स्वैपिंग का लगा दिए और लास्ट में हम उसको क्या किए गाइस, यहाँ पे देखिए हमने लास्ट में उसको क्या किए, प्रिंट कर दिए, ओके। आप लोग इस प्रोग्राम को एक बार शॉर्ट क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जिससे इजीली जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ओके। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो